दिल्ली की किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, अगर उसके ऊपर 35 साल पुराना टैग लगा है तो यकीन मानिए इस प्राइस में आपको कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। आपको दिखाई देगी बड़े 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 ठीक ठाक घर बने हुए हैं और मेन रोड से देखिए हम कुछ खास ज्यादा अंदर नहीं आए हुए हैं, बस यहाँ अगल बगल जितने घर आप देखोगे सारे जो है कि 100-150 गज में बने हुए हैं, पर हमारा जो आज का प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी ऐसी ही जगह पे है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक 30 गज का 20 फुट के चौड़े रोड पर और एक 20 गज का 10 फुट के चौड़े रोड पर प्लॉट, और ये दोनों प्लॉट आपकी बिल्कुल जेब में आने वाले हैं। ये दोनों ही प्लॉट इस हिसाब से आपको बताए जा रहे हैं कि एक जो है अगर आपका मिनिमम से मिनिमम बजट हो, अब मिनिमम आप कितना बजट एज्यूम कर सकते हैं, 4 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। बताइए आज की इस वीडियो में 4 लाख रुपए से आपको जो है हम प्लॉट देंगे, और 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक का बजट जिनका है उनके लिए आज की इस वीडियो में बहुत कुछ है, क्योंकि लो बजट वाले जो सेगमेंट है उसमें बहुत कम प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, खास तौर से दिल्ली में। एनसीआर में तो आपको दुनिया भर के प्लॉट मिल जाएंगे, 4 लाख में शायद 100 गज भी मिल जाए, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आपको एक छोटा प्लॉट भी लेने के लिए लाखों रुपए चुकाने पड़ते हैं, और वो लाखों रुपए की जो शुरुआत होती है वो 10-20 लाख से ही स्टार्ट होती है। लेकिन आज का ये जो प्लॉट है हम आपको मात्र 4 लाख रुपए में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए और बने रहिए, आपको एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बार गली का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो ये 20 फुट की गली है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरफ 20 फुट का चौड़ा रोड है, हालांकि रोड अभी आपको कच्चा दिख रहा है लेकिन इस रोड में अभी सीवर का काम हुआ है, इसलिए इस पे मलबा आपको बिखरा हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि इस पे सीवर लाइन दब चुकी है नीचे और जो मेन होल है वो लगाने हैं, तो इस गली के सीवर का काम पूरा होते ही आपके जो है कि RCC की रोड मिलेगी आपको इसमें, और मेन रोड से कितनी दूर है वो भी मैं आपको भी मेन रोड पर ले चल के बताऊंगा कि जो ऑलरेडी मेन रोड जो मुंडका कराला रोड है वहां से कितनी दूर है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस पूरे प्लॉट की लोकेशन आपको लाइव दिखाऊंगा, आप आराम से जो है कि बस स्टैंड पर उतरिए और वहां से सीधे यहां पे पहुंचिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इधर उधर ना फंसे, अगर आपको प्लॉट लेना है ये वाला तो आप जो है कि सीधा कॉन्टेक्ट करें, आपको ऑनर से भी मिलवाऊंगा मैं। और ये जो है देखिए, ये प्लॉट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये प्लॉट है और इसमें से सब बिक चुका है, हमारे पास जो बचा हुआ है वो है एक 30 गज का टुकड़ा और एक 20 गज का टुकड़ा। 30 गज का जो टुकड़ा मिलेगा आपको, 30 गज का जो प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा 20 फुट की गली से, और जो 20 गज का प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा आपको 10 फुट की गली से। ये आप देख सकते हैं कि 20 फुट की गली है, इधर से आपको 30 गज का टुकड़ा मिलेगा, और ये जो गली है ये 10 फुट की है, अभी आपको टूटी फूटी नजर आ रही है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन आगे की तरफ आप देख सकते हैं, उधर तो है और उधर पॉपुलेशन है, इसीलिए उधर थोड़ा ठीक ठाक साफ सुथरा है, इधर कोई रहता नहीं है तो इसीलिए जो है कि इधर भी कचरा बना पड़ा है। लेकिन अगर आप घर बनाएंगे तो यहाँ भी साफ सफाई हो जाएगी, क्योंकि ये गली भी पास है, इसमें भी सीवर की लाइन डली है और इसका भी काम होना है, ये भी RCC की बनेगी। तो दोस्तों देखिए, हम जो है यहाँ प्याऊ बस स्टैंड से चलते हैं और चलते चलते आपको सारी चीज़ें भी बताएंगे, प्रॉपर्टी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात आती है जेंट्री की, कि यहाँ पे जेंट्री कैसी है, क्योंकि कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि भाई कॉलोनी है तो सिंपल सी बात है कि कॉलोनी के लेवल के ही लोग होंगे, यानी गरीब होंगे, दबे कुचे लोग होंगे, भूखे नंगे रह रहे होंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि गंदगी में रह रहे होंगे, क्षेत्र गंदा क्षेत्र होगा, ऐसा आप सोच के आते हैं कभी कभी, होता है ऐसा, होता भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई कॉलोनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर आपकी गंदगी थोड़ी बहुत रहती है, वो डिपेंड करता है जेंट्री पे कि जेंट्री कैसी है, और जहां पे जेंट्री अच्छी होती है, क्योंकि देखिए कॉलोनी की अगर हम बात करें तो आपने जैन नगर का भी नाम सुना है, वहां की लोकेशन देख लीजिए, कॉलोनी क्या टकाटक है। ऐसे ही जो है कि आपका रामा विहार का नाम सुना आपने, वहां की कॉलोनी देखिए कैसी टकाटक है, लेकिन टकाटक है तो वहाँ प्राइस भी वैसे ही टकाटक वाले हैं, क्योंकि जेंट्री जब वैसी होगी उच्च लेवल की तो प्राइस भी उच्च लेवल का ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जहाँ पर हम आपको प्लॉट दिखा रहे हैं यहाँ पर भी भाग्य विहार लोकेशन है, क्योंकि लोकेशन पहले बता दूँ, भाग्य विहार जैन कॉलोनी के नाम से ये पूरी कॉलोनी फेमस है, और इसका नाम जो DDA की लिस्ट में है वो 439 नंबर पे है, भाग्य विहार जैन कॉलोनी के नाम से, जो कि रानीखेड़ा क्षेत्र में पड़ती है। हालांकि पूरी कॉलोनी 3 गांव की जमीन पर बसी है, मुबारकपुर, मदनपुर और रानीखेड़ा। तो अभी जो हम आपको प्लॉट दिखाने वाले हैं,
अगर हम उसकी जेंट्री की बात करें तो एक बार मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये 30 फुट का रोड है और आप देख सकते हैं आसपास की जो जेंट्री है आपको दिखाई देगी कि बड़े 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 ठीक ठाक घर बने हुए हैं। और मेन रोड से देखिए हम कोई खास ज़्यादा अंदर नहीं आए हुए हैं, बस थोड़ी दूर पे हैं, पर हमें जो जाना है ये प्लॉट पार करके हम इसमें जाएंगे। यहाँ अगल बगल जितने घर आप देखोगे सारे जो है कि 100-150 गज में बने हुए हैं और हमारा जो आज का प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी ऐसी ही जगह पर है। तो जेंट्री की हम बात करते हैं कि जेंट्री यहाँ एक नंबर की जहाँ पर ये प्लॉट है। दूसरी बात कि अगर हम सुविधाओं की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 30 फुट चौड़ा रोड चल रहा है और मेन रोड आप देख लीजिए पीछे जो है कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ, और आप समझ सकते हैं कितने मिनट का मैंने रास्ता तय किया। इस वीडियो में आप देख सकते हो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, पैदल चल के ही अपने प्लॉट पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितनी दूरी हमने तय की है कितने मिनट में, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा डिस्टेंस एक्चुअल कितनी है। तो पीछे जो है कि आपका मात्र 50 मीटर की दूरी पर आपका बस स्टैंड है रानीखेड़ा पियाऊ। और सुविधाओं की हम बात कर लें तो भाई रोड है, नाली है, सीवर डल रहा है, हर कॉलोनी में डल रहा है दिल्ली की, लेकिन यहाँ पे सीवर का 90% तक काम पूरा हो चुका है, सिर्फ मेन होल रह गए हैं लगाने और ये जो आपको रोड दिख रहा है चौड़ा वाला इस पर काम रह गया है। तो ये जो है कि चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी मेरे हिसाब से। तो हम आ गए हैं वहाँ पर जहाँ से अब हमें अपने 20 फुट के रोड पर चलना है और अपना प्लॉट देखना है। अब आप देख चुके हो मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा वहाँ से यहाँ तक आने में, लगभग ये मान के चलिए हद मार लें तो 100 मीटर की दूरी है और ये 20 फुट का रोड है। इस रोड पे जो है कि 20 फुट के रोड पे हमारा प्लॉट है। तो चलिए प्लॉट के पास चलते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूँ, सुविधाओं की तो हमने बात कर ली, उसके बाद स्कूल की हेल्थ रिलेटेड इशूज़, एजुकेशन रिलेटेड इशूज़ और एनवायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल दो दो तीन तीन हैं, बड़े बड़े 12वीं तक, प्राइवेट स्कूलों की भरमार है और सबसे बड़ा स्कूल जो है यहाँ पे प्राइवेट 12वीं तक वो है हीरालाल पब्लिक स्कूल। दूसरी फिर बात करेंगे हम हेल्थ की, तो यहाँ पर जो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो है संजय गांधी हॉस्पिटल, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर अम्बेडकर हॉस्पिटल है। ये तो हॉस्पिटल है जो नियरेस्ट हैं लगभग 4 से 8 किलोमीटर की दूरी के बीचों बीच, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग होम की, तो दुनिया भर के हैं फेमस नर्सिंग होम हैं। और आपको दिखा दूं कि देखिए हमने अभी फिलहाल में ये जो 200 गज की कोठी है, ये वाली जहाँ ऑटो दिख रहा है खड़ा हुआ, इसमें घर बन रहे हैं, ये पूरा प्लॉट हम ही ने बेचा है। जो हमारे पुराने ऑडियंस हैं उनको पता होगा कि 200 गज की कोठी थी जिसमें पेड़ पौधे उग रहे थे, वो टूट कर बिक चुकी है, पूरे प्लॉट बन चुके हैं इसमें, ठीक है, बन रहे हैं ऑलरेडी। और हमारा जो प्लॉट है वो 20 फुट की इस गली में है, ठीक है। और यहाँ से हम आए हैं, देखिए मेन रोड ये रहा जहाँ मैं कोने पे खड़ा था। तो कुल मिला जुला अब आपने देख लिया कि भाई हमारी जो प्लॉट की लोकेशन है एक नंबर की है, मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, प्लॉट के सामने खड़ी है। चलिए प्लॉट के पास चलते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली प्लॉट के प्राइस की। तो देखिए मैंने आपको कोशिश की है कि आपको पूरी लोकेशन समझ में आए, और मैंने आपको सारी गलियाँ दिखाई हैं, सारे रोड दिखा दिए, सारी सुविधाएँ बता दी। और यकीन मानिए 35 साल पुरानी कॉलोनी में आपको इस प्राइस में दिल्ली की किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, अगर उसके ऊपर 35 साल पुराना टैग लगा है तो यकीन मानिए इस प्राइस में आपको कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो लास्ट में आपको प्राइस में आपको समझाने जा रहा हूँ कि 10 फुट की गली से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस गली से जो है कि आपको जो प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा मात्र 4 लाख रुपये में। प्लॉट का साइज है 20 फुट का, 9x20, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे साइज में जो है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, फ्रंट कम या ज़्यादा हो सकता है, 9 से कम नहीं होगा, ज़्यादा भले हो जाए, वो डिपेंड करता है कि आगे की तरफ का साइज़ क्या बनता है, ठीक है। हालांकि 50 की गहराई है तो आगे से हमने 9x30 का साइज़ रखा है, पीछे से 9x20 का साइज़ रखा है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर कोई भाई बंधु हमसे पीछे की तरफ से कोई ज़्यादा प्लॉट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ सकता है, आगे से सारे प्लॉट बिक चुके हैं। तो आपको बता दूं कि आगे की यानी कि जो 20 फुट की गली में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से आपको अगर प्लॉट लेना है 30 गज का जिसका साइज होगा 9x30 20 फुट के चौड़े रोड पर, तो वो मिलेगा आपको मात्र 8 लाख रुपए में। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, मात्र 8 लाख रुपए में आपको 30 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और फिर आप आएंगे तो भाई आपकी प्यार मोहब्बत में मान सम्मान भी जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। दोस्तों देखिए ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये है हमारे साइट के ऑनर और इनके साथ हमारे और भी पार्टनर्स हैं। ये साइट के हमारे मेन ऑनर हैं और इनके साथ दो असिस्टेंट हैं जिसमें एक मैं हूं और एक हमारे और भाई हैं वो हैं। तो अगर आपको कोई इसमें इस पूरे प्लॉट में से कोई प्लॉट लेना हो यानी 30 गज का या 20 गज का, तो आप डायरेक्ट इनसे ही संपर्क करें या हमसे संपर्क करें। आप इधर उधर घूमेंगे तो आप ही पछताएंगे। खूब घूमिए, मैं तो आपको ये बोलूँगा, भाग्य बिहार खूब घूमिए,
खूब डीलरों के पास जाइए, रेट पता करिए, उसके बाद आइएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ मिल जाए इससे भी सस्ता तो बताइएगा। मैंने एक लाइन आपको पहले ही बता दी, वो क्या कि आपको मान सम्मान भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रेट हमने बताए हैं उसमें भी हम कुछ गुंजाइश कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये बोलता है कि भाई वो तो 20,000 रुपये गज में, यानी वो तो 4,00,000 का आपको दे रहा है, चलो मैं आपको 4,90,000 का दिला, 3,90,000 का दिलाता हूँ, तो इस बात में मत आइएगा, मत फंसिएगा। यकीन रखिएगा कि अगर वो 3,90,000 में भी दिला रहे हैं तो भी आपसे कुछ कमा ही रहा होगा। तो इसलिए डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट प्लॉट लीजिए, और यकीन मानिए आप यहाँ पर आएंगे, रहेंगे, आपके सपनों का जो घर है एक छोटे से बजट में, मेरे हिसाब से तो यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं से शुरुआत। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं इन पे कॉन्टैक्ट करिए, डायल करिए, और अपने माइंड का कोई भी डाउट हो उसे क्लियर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।